दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलोर की जीत के बाद कोहली और गंभीर के बीच हुआ जमकर विवाद, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो अब गंभीर ने उन दोनों के बीच हुई लड़ाई पर सफाई पेश करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्या कुछ कहा गौतम गंभीर ने, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और गौतम गंभीर में से बेहतर खिलाड़ी कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ की जीत से शुरू हुआ विवाद अब पूरी दुनिया की सुर्खियों पर छा चुका है, जहां चारों ओर सिर्फ विराट और गंभीर की चर्चा हो रही है। आपको बता दें, जब लखनऊ को जीत मिली थी तब गंभीर ने बेंगलोर और उनके फैंस को चुप रहने का इशारा किया था। उसका बखूबी बदला लिया कोहली और उनकी सेना ने। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर बड़ी मुश्किल से 124 रनों तक पहुंच पाई थी और ऐसा लगा कि एक बार फिर बेंगलोर को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनके गेंदबाजों ने ऐसा कोरा मचाया कि लखनऊ की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और लखनऊ ने केवल 64 के स्कोर पर अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया। उसके बाद तो विराट के अग्रसर का कोई ठिकाना नहीं था और इसी दौरान विराट ने गौतम गंभीर को चुप रहने का इशारा किया था। लेकिन विराट कोहली यहाँ पर रुके नहीं और उन्होंने अमित मिश्रा के साथ भी विवाद किया, तो नवीन उलहक से भी विराट की लड़ाई हो गई। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असली ड्रामा तो बेंगलोर की जीत के बाद देखने को मिला, जब नवीन हक और विराट कोहली ने एक दूसरे से हाथ मिलाने को मना कर दिया, तो वहीं दोनों भी इस मैदान पर एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। हालांकि आसपास खड़े खिलाड़ियों ने एक दूसरे को दूर किया। अब यहां से लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तभी एंट्री होती है गौतम गंभीर की और गंभीर ने विराट को जमकर फटकार लगाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने एक दूसरे को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दोनों अलग होने को राजी नहीं थे। अंपायर को भी इस बचाव में आना पड़ा। दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ, लेकिन ये दोनों अंपायर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों को यकीन तक नहीं हुआ कि भारतीय टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी आखिर कैसे बीच मैदान पर खेल भावना की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी पर गौतम गंभीर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, ये खेल ही ऐसा है, आप शांत रहकर खेल नहीं सकते। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आप दूसरों को चिढ़ाने के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, ये तो गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम हार गए और हमने हार मान भी ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको हमारा मजाक उड़ाने का मौका दे दिया। लोगों को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, लेकिन विराट आज अपनी सभी हदों को पार कर चुके थे। बस यही कारण था कि मुझे उनकी हदों को याद दिलाना पड़ा और ये बेहद जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, गंभीर का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।